गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर अभी बैंक निफ्टी को देखोगे सो ओपनिंग बहुत ही अच्छा एक गैप डाउन में हुई है, और गैप डाउन ऐसी जगह पे हुई है जो कि है 52,200, जो कि एक राउंड नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है ना, इसके नीचे बहुत लोगों ने ना पुट शॉर्ट किया होता है यहाँ पर, तो उनका क्या होता है टारगेट पता है, कि अगर ये थोड़ा और नीचे आएगा तो वो अपना पोजीशन एग्जिट करना शुरू हो गए, पर अगर मार्केट उनको फेवर में जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बैठ के एडजस्टमेंट करेंगे, या तो वो और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, या तो जैसा है पोजीशन वैसे ही मेंटेन करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है पता है यहाँ से, या तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आना शुरू कर देगा, इनको निकालेगा, या तो मार्केट पूरा रिवर्सल होकर ऊपर जाना शुरू कर देगा वापस। सो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यहाँ पर जिसने भी है ना पुट शॉर्ट किया है वो अभी भी मार्केट में है, कि जो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी जो कि ट्यूसडे को, वेनसडे हॉलीडे था, कि ट्यूसडे उन्होंने स्क्वायर ऑफ करके चले गए होंगे क्योंकि एक दिन का छुट्टी भी है। सो वो क्या सोचते होंगे कि नहीं रहने दो, अच्छा प्रीमियम मिल गया है, सो क्या करना चाहिए। सो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, एक कन्फर्मेशन के लिए वेट करूँगा कि यहाँ पर क्या सच में है या नहीं है, अगर हो गए तो थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा और वापस आने वाला है ही नीचे, ठीक है। या तो यह क्या करेगा कि लोग अगर नहीं हो गए यहाँ पर तो, और यहाँ पर ऊपर समझो 52,500 है, उसके ऊपर जिसने कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर, और वहाँ पर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा भी है यहाँ पर किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर विक्स देखोगे, यहाँ पर देखो ये विक्स, ये जो विक्स बनी है ना, देखो यहाँ पर दिख रही है, जो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ये सब की वजह से क्या होते हैं, सेलर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर लोग पुट लेके भी गए होंगे, 100% पुट लेके गए होंगे। तभी ये क्या कर रहा है, जिसने भी पुट लिया होगा ना उसका प्रॉफिट कम करवा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, क्या ये इनको पूरा टारगेट करेगा, इतना स्ट्रांगली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये पूरा टारगेट करने जाएगा, पर क्या प्रोबेबिलिटी है वो तो मार्केट में स्ट्रक्चर बनने के बाद ही पता चलेगा। सो अगर बात की जाए तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% सेलिंग साइड होगी, 20% बाइंग साइड होगी। अभी अगर ये नीचे गिरना शुरू होता तो कोई अलग ही कहानी थी, पर अभी ये जो ऐसा मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, सो इससे मेरी कहानी है ना नीचे के साइड ज़्यादा है मार्केट को जाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये मोमेंटम आएगा ना, सो जिसने भी यहाँ पर ना ये देख के क्या सोचेगा कि यार ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पर कॉल बायर्स भी आएंगे और वो क्या करेंगे, पुट शॉर्ट करने वाले भी आएंगे, क्योंकि बजट भी है ये वीक के अंदर ही है 21, तो मंडे को ही बजट है। सो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट बनाने वाले लोग। सो जैसे मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा वैसा मैं बताऊँगा, तब तक के लिए लेट्स सी। सो फाइनली मैंने एक ट्रेड ले लिया है। सो मैंने ना क्या किया, कॉल के साइड ट्रेड लिया है, मतलब मैंने पुट शॉर्ट किया है। मैंने पुट शॉर्ट क्यों किया है, यहाँ पर अगर देखोगे बैंक निफ्टी वन साइड मोमेंटम गई और फिर यहाँ से है ना एक्स ने रिवर्सल लेना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनना भी शुरू हो गया है। सो इससे क्या पता चलता है पता है, जैसे ये ऊपर गई होगी ना तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आई होगी, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास कौन आते, सेलर्स आते। सो उन्होंने क्या सोचा होगा कि यहाँ सेल करते, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है। सो इसकी वजह से मुझे क्या लगा कि यहाँ पर जैसे ही कि ये रेड कैंडल इसने बनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉल शॉर्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इनको एसएल लिया फिर ही नीचे जाएगा, डायरेक्टली ऐसा नीचे नहीं जा सकता है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर निफ्टी है ना वो कुछ अलग कर रही है। निफ्टी यहाँ पर देखोगे, सो निफ्टी ने क्या किया कि ऊपर गया फिर वापस गया नीचे आया, और यहाँ पर नीचे जाना शुरू कर दिया इसने। सो अभी क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि निफ्टी जैसे गिरना शुरू हो गया है ना, तो बैंक निफ्टी स्टेबल है, तो लोग क्या करेंगे पता है, बैंक निफ्टी में सेलिंग का पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। सो इसकी वजह से कि मार्केट में ना क्या है, इम्बैलेंस है, कि मतलब बायर्स भी आए हैं सेलर्स भी आए। सो अभी क्या होगा, ये जो पॉइंट पे है ना, जब तक मुझे लग रहा है यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर की वजह से ही मुझे लग रहा है कि मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ तक भी अगर ये आ गया समझो ये लेवल के आसपास, तो हमारा टारगेट आ जाएगा, और अगर ये इसने क्रॉस ये कर दिया तो हमारा ये स्टॉप लॉस आ जाएगा। सो पूरा जो प्लान होता है वो मैंने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि नीचे कैसे बायर्स है कैसे है, पर जब तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर सेलर्स है ना वो बहुत अच्छे बैठे हैं। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर सेलर्स बैठे और वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में, ठीक है। सो मार्केट क्या करेगा पता है, यहाँ पर जैसे ही ऊपर आया ना और यहाँ जिससे रिजेक्शन शुरू हुआ होगा ना, उन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाया ही होगा, क्योंकि निफ्टी भी बैरिश है। सो इसकी वजह से मैंने एक रिवर्सल ट्रेड लिया है। सो लेट्स सी कैसे ये परफॉर्म करता है। सो मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर पोजीशन की बात की जाए, सो हम ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा हमारे डायरेक्शन में मूव हुआ है, इतना भी अच्छे प्रॉफिट में नहीं आया है,
ये ब्रेक इवन टाइप ही है, क्योंकि वॉलीटिलिटी है, इसकी वजह से मार्केट ये आसपास लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो अभी क्या होगा, मार्केट यहाँ से मे भी है ना एक मोमेंटम ऊपर देगा तो हम निकल जाएंगे, वरना ये अगर ये रेंज के अंदर ही रहेगा ना तो यहाँ पर होगा क्या प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर से सेलर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बायर आना शुरू हो जाएंगे। ये साइडवेज रहेगा तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर कोई भी साइड एक मोमेंटम फास्ट आएगा ना सो जो लॉस की लिमिट है वो बड़ी दिख सकती है, क्योंकि प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने जो किया था वो 554 का जो पुट है वो किया है, सो इसकी वजह से लेट्स सी कैसे मोमेंटम देगा। मोमेंटम भी इतनी फास्ट आएगी, और अगर नीचे अगर अगेंस्ट आती है वो भी इतनी फास्ट आएगी। सो अगर रिस्क की बात की जाए तो 75 पॉइंट्स के आसपास हमारा रिस्क है, जो कि अराउंड है 2200-2300 रुपीज़ का रिस्क है आज। सो लेट्स सी मार्केट कैसे इसको करता है, तब तक के लिए मैं अपनी पोजिशन को भी मैनेज करता हूँ एंड अपडेट करता रहूँगा मैं। सो फाइनली अगर देखोगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऊपर की तरफ से, यहाँ पर जो सेलर थे उनको निकाला है मार्केट ने। क्या हमारा टारगेट आया है? अभी तक तो टारगेट नहीं आया है। टारगेट की बात की जाए सो अभी भी ये 50% के आसपास ही पहुँचा है। प्रीमियम्स इतने हाई है ना कि ऑप्शन सेलिंग करो या बारिंग करो ये इतना ईजिली नहीं आ रहा है टारगेट। सो यहाँ पर से क्या पता चलता है, यहाँ पर से क्या पता चलता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, और ऊपर मतलब ये जो 500 लेवल वाले लोग हैं ना उनको भी निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी इसने किसने निकाला है, जो यहाँ पर देख के जिसने सेल किया है ना उसको निकाला है। तो ये क्या धड़ाम से गिर जाएगा पता नहीं है, क्योंकि ऐसी कैंडल्स बन रही है ना तो कोई स्ट्रॉन्ग। देखो ये क्या है, निफ्टी, निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी ने भी क्या किया, देखो सेलर्स आ गए थे उनको निकाल दिया है, ठीक है। सो अब क्या करेगा, अब ये फ्रेश चार्ट पे स्टॉप लॉस बनाएगा। हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ है, तो अभी तो फ़िलहाल हम बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ चल रहे हैं, तो क्या ये हमें टारगेट कर सकता है? फ़िलहाल तो नहीं कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, पर ये जो मोमेंटम की थी ये और थोड़ी मोमेंटम आ जाती तो हम अपना टारगेट बुक कर सकते थे। पर अभी क्या होगा, अभी ये 50-50% रिस्क है। हमारा टारगेट तो यही था ना कि यहाँ पर जिसने सेल किया उसको उसको ही निकालना है, पर सेल किया उसको टारगेट हम नहीं बुक कर पाए क्योंकि टारगेट आया ही नहीं है। सो अभी क्या करेगा मार्केट, स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो फ्रेश चार्ट में जो भी स्टॉप लॉस हो गए वो भी क्रिएट होने वाला है। सो लेट्स सी मार्केट इसको कैसे मैनेज करता है। सो तब तक के लिए मैं अपडेट करूँगा। ये जैसे कि 52,500 है ना, वो एक ब्रेकआउट दे देना चाहिए, यहाँ पर बहुत सेलर्स बैठे हैं। ये जो 800 वाले हैं ना वो तो अच्छे प्रॉफिट में थे, अभी वो 500 को भी सेल करना शुरू कर दिए, तो इनको एक बार निकाल दिया ना फिर तो कोई बात ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बजट आने वाला है अच्छा। सो मार्केट अभी कैसे मोमेंटम करके जा रहा है ऊपर वो भी देख के मैनेज होगा। सो लेट्स सी, फाइनली टारगेट ओवर अचीव हो गया है। जो हमने 2200 का आसपास का प्रॉफिट सोचा था वो 3000 के आसपास हमने क्लोज़ किया है। हुआ क्या देख रहे हो, मार्केट में हमने यहाँ पर कहाँ पर पोजीशन बनाई थी, ठीक है, और मार्केट यहाँ से इतना फास्ट मोमेंटम गया। मैंने बताया था ना जो 500 लेवल्स वाले सेलर्स हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहे, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना ईजिली ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट ने सीधा उनको डायरेक्ट निकाला यहाँ पर जाके ही। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया था इनको टारगेट करने के लिए, पर मेरा तो ये था ही नहीं कि भाई मुझे इनको टारगेट करना है। पर हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे ही नीचे आया मार्केट, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया इसको टारगेट करने के लिए, तो ये मोमेंटम तो आया पर इतना मेरा टारगेट आया नहीं। सो यहाँ पर कहाँ पर मेरा टारगेट आ गया था, पर मेरा जो एक्सचेंज है वो मेरे ऑर्डर ही नहीं ले रहा था। ये देख रहे हो, मैंने देखो किसने मैं सेल किया है, 554 पे सेल किया है ऑप्शन को, मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ 947 से, और अभी आसपास बजे 954। सो कितना रिजेक्ट हुआ, और फाइनली कारण देखोगे तो क्या लिखा है, एक्सचेंज एरर, द एरर कोड विल बी रिटर्न फॉर द इनवैलिड डेटा इन ऑर्डर पैकेट। पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, फिर एट लास्ट ये हो गया। सो ओवर अचीव करने की मेरे इरादे तो थे नहीं, पर ये जो मोमेंटम भी आता गया और ब्रोकर बंद भी हो गया, सो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो आज के लिए इतना ही। सो इफ़ यू लाइक इट, थैंक यू।